हाई टुडे इज सेवेंटी ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी लेटस हैव अ क्विक ब्रीफ ऑफ टुडेज न्यूज़ पेपर द हिंदू आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फर्स्ट इज अबाउट दिस इंडिया चाइना फेस ऑफ हम इसमें जानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियल क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं सेकेंड इज अबाउट कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन की अपडेट्स देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट क्या है थर्ड इज अबाउट दिस लोनार लेक हमने ये थर्टींथ ऑफ जून को देखा था लेक ऑल ऑफ अ सडन ऐसे पिंक हो गई थी यहाँ पर हाईकोर्ट ने बोला है यहाँ पर रिपोर्ट इसकी सेंड करने को और ये नीरी एंड जी एस आई इस इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर काम करेंगे फोर्थ इज़ अबाउट क्लोज अगेन दिस इज़ अबाउट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो होने वाला है अनलॉक वन पॉइंट वो के बाद रैपिड केसेज राइज हुए हैं कोविड नाइन्टीन के अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो वॉट ऑल थिंग्स वी शुड बी केयरफुल दैन फिफ्थ इज अबाउट नेपाल टाइज एंड बनारस से बैंगलोर स्पेक्ट्रम ये बहुत अच्छा आर्टिकल है इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हैं यहाँ पे दैन नेक्स्ट इज़ रूरल इंडिया द न्यू वायरल फ्लैश पॉइंट इंटरनेशनल देन अर्बन सिटीज़ अब ये थ्रेट है कि ये कोविड नाइन्टीन हमारे हिंटरलैंड पर भी स्प्रेड हो सकता है दिस इज अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैन सेवेंथ इज अबाउट फॉर बेटर कंडीशन ऑफ वर्कर्स यहाँ पर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव की दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट्थ इज इंडिया एक्सपेक्ट टू सेल थ्रू दिस यू एन सिक्योरिटी काउंसिल वोट परमानेंट सीट फॉर टू थाउजेंड दिस यू एन एस सी मेम्बर सीट फॉर दिस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू नॉन परमानेंट सीट फॉर टू ईयर्स के लिए इंडिया यहाँ पर अभी सेलेक्ट हो सकता है देन नाइन्थ इज अबाउट क्लाइमेट रिपोर्ट प्रडिक्ट रेनियर डेज ये रिपोर्ट है आई पी सी सी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में ये इंक्लूड हो सकती है और ये इसकी फाइंडिंग है विल है लोक वर्ल्ड न्यूज़ में विल टॉक अबाउट चाइना ताइवान नॉर्थ कोरिया बीजिंग श्रीलंका एंड देन बिजनेस में हम बात करेंगे फ्यूल डिमांड मोबाइल कार्ड पेमेंट फेडरल रिजर्व यू एस एंड देन ये बहुत अच्छा न्यूज़ टैंपलेट है दैट इज़ अबाउट अर्बन जंगल इसमें हम बात करेंगे गुवाहाटी सिटी की मिसलिनियस सेक्शन में विल टॉक अबाउट जून सेवनटीन यू एन सी टी ए डी इसने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाला है उसमें इंडिया का क्या पोजिशन है नासा ने अभी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ऑब्जर्व किया है सत्येंद्र नाथ बोस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट विल गेट टू नो अबाउट दिस देन ये रेसेशन के बारे में भी हम जानेंगे मिसलेनियस सेक्शन में नाउ दिस इज़ अ न्यू सेक्शन यहाँ हम एवरी डे फोर फाइव एम सी क्यू सॉल्व करने का ट्राई करेंगे टुडे विल टॉक अबाउट दिस क्वालिटी एम सी क्यू दीज आर सम गुड क्वालिटी एम सी क्यूज ओके सो नाउ अब एम भी हमने कवर कर लिया है मिसलेनियस सेक्शन भी आ गया है नाउ टू थिंग्स आर पेंडिंग एक तो वीडियो का टाइमिंग एंड सेकेंड इज़ पी हम इसको भी बहुत जल्दी स्ट्रीमलाइन कर देंगे ओके सो लेट इस बिगिन टूडेज डिस्कशन बट बिफोर दैट ये आज के वोकेबुलरी वर्ड्स हैं फर्स्ट फर्स्ट इज अबाउट दिस पिल्फरेज पिल्फरेज का मतलब होता है स्टीलिंग थिंग्स लिटिल वैल्यू का स्लोली यहाँ पे ऐसा लॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड पिल्फरेज देन प्रोस्क्राइब प्रोस्क्राइब का मतलब होता है prohibit है वो चीज़ forbid है देन incorrigible का मतलब है हैबिचुअल है वो हार्डेंड हो गया है उसको चेंज करना डिफ़िकल्ट है अब इनक्योरेबल है कोलिजिएट का मतलब है बिलोंगिंग टू द सेम कॉलेज टू अ सेम कॉलेज देन बी फेडल्स का मतलब होता है कन्फ्यूज है bewildered है परवेजिव परवेजिव मीन्स prevalent है कोविड नाइन्टीन काफ़ी स्प्रेड हो गया है दैट इज परवेजिव आइडियोलॉजी मतलब होता है बिलीफ सिस्टम है डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती है से लेफ्टिस्ट है सेंट्रिस्ट है राइटिस्ट है दीज आर आइडियाज़ एंड आइडियल्स देन दिस इज़ कॉट नैपिंग कॉट नैपिंग का मतलब है कि वो अनप्रपेयर्ड था उस टाइम पे देन लियासन का मतलब होता है कोऑपरेशन और कॉन्टैक्ट का अपॉइंट ऑफिशियल टर्म में से यूज़ करते हैं डिजल्ट्री का मतलब होता है लैकिंग इन कंसिस्टेंसी देन डॉयन मीन्स रेस्पेक्टेड इन अ फील्ड जैसे फिल्म में मिस्टर अमिताभ बच्चन काफ़ी रेस्पेक्टेड है सो दैट इज़ डॉयन रेस्पेक्टेड इन अ फील्ड देन बर्जनिंग बर्जनिंग मींस बर्जनिंग डिमांड है एक्सपैंड हो रही है और वो ग्रो हो रही है ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है सीमिंगली अपेरेंटली वो ऐसा दिख रहा है ऑस्टेंसिबली एंड सैम्बलेंस का मतलब होता है कि अपेयरेंस कैसा है जैसे सैम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलसी है सैम्बलेंस और गाइज भी हम इससे बोल सकते हैं कि कैसा वो अपियर हो रहा है वॉट इज द अपियरेंस सो दीज आर सम एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स जो आगे हम न्यूज पेपर में पढ़ने वाले हैं इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो वन मोर थिंग हम जो फीडबैक देते हैं ना फीडबैक देना किसी भी आंसर का एक बहुत डेलिकेट मैटर होता है यू नो द आइडिया कि अगर सम पर्सन इज़ राइटिंग एन आंसर वो से फॉर द फर्स्ट टाइम राइट कर रहा है इट टेक्स ग्रेट करेज टू राइट एन आंसर तो इट इज़ ओके हम ज़्यादा उसमें नेट पिकिंग नहीं करें द आइडिया इज़ टू एनकरेज द पर्सन टू राइट आंसर नॉट डिसकरेज फंडामेंटली बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं हो रही है देन इट इज़ ओके ग्रेजुअली धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाती है शुरुआत में ही हम अगर अपन बार बहुत ज़्यादा हाई रख देते हैं तो फिर वो डिस्करेजमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे और वो एनकरेजमेंट कम होता है आंसर राइटिंग के लिए सो दैट इज़ वाई इनिशियल फेज़ में लेट्स गो ईजी दोज हु आर रेगुलर उनके काफ़ी अच्छे आंसर्स भी हैं उसमें वी कुड गो टू दैट लेवल और उसमें थोड़ा और हम इनपुट्स डाल सकते हैं फीडबैक में बट इनिशियल लेवल पे लेट्स गो ईजी नाउ दिस इज़ अबाउट ट्वेंटी यहाँ पे ऐसा केस हुआ है इंडिया चाइना फेस ऑफ ये जो केस हुआ है दैट इज़ अबाउट दिस पेंगोंग लेक और ये गलवान एरिया यहाँ पे अभी फ्लैश पॉइंट बना हुआ था यहाँ पे नो फायरिंग ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशन ऑफिशियल रिपोर्ट्स बोल रही हैं इंडियन पेट्रोल टीम अटैक बाय मच लार्जर चाइनीज़ ग्रुप डिफेंस मिनिस्टर का मीट है अभी सी से सर्विस चीफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर एंड ऑल दे आर हैविंग अ मीट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिशियल रिपोर्ट हम देखें तो उन्होंने कहा है कि चाइना इज़ ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस को यहाँ जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ट्रेडिशनली चाइना के फेवर में रहा है इंडिया यहाँ पे शिकटकर कमिटी एंड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहा है तो चाइना इज़ ट्राइंग टू चेंज दिस स्टेटस को इंडिया रिमेन्स फर्मली कन्विंस्ड ऑफ द नीड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्वलिटी इन द बॉर्डर एरिया एंड जो रिजोल्यूशन करना है डिफरेंसेस का दैट शुड गो बाय दीज डायलॉग्स स्ट्रांगली कमिटेड है मीन हम डिप्लोमेटिक भी है और मिलिटरी भी है हमारे पास स्ट्रांगली कमिटेड है टू एंश्योर इंडियाज सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा डीज आर स्टेटमेंट्स फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिस इज़ द सेकेंड वन दिस इज द अपडेट अबाउट कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन के फैटैलिटी सर्ज हुआ है अभी पास सम टाइम पे अभी हम लॉकडाउन चल रहा था अब अनलॉक वन पॉइंट ओ है इसमें नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं फैटैलिटी सर्ज है देन चीप ड्रग है ये द नेम ऑफ दिस चीप ड्रग इज़ डेग्जा मेथेजोन दिस हेल्प ये टेन रुपी की आती है फॉर टेन एम एल चीप ड्रग है बट ये काफ़ी इफेक्टिव प्रूव हो रही है इसने हेल्प किया है इन सर्टेन टेस्ट कंडीशन में दो जोन वेंटिलेटर रिकवरी हुई है नाउ द आइडिया इज टू रैम्प अप द टेस्टिंग नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने हैं हमें पंजाब का मेन वाइल यहाँ पे काफ़ी तारीफ़ हो रहा है पंजाब में माइक्रो कंटेनमेंट एंड हाउस टू हाउस सर्वे बहुत इफेक्टिवली किया है और इसने कोविड नाइन्टीन को कंटेन करने में काफ़ी हेल्प दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा ऑन कोविड नाइन्टीन हॉस्पिटल्स का इसको पूरे डेटा को ऑनलाइन लाने की बात है जिससे ज़्यादा एफिशेंटली और ट्रांसपेरेंटली हम यहाँ पर सर्विसज प्रोवाइड करा पाएंगे सी ये जो पॉइंट्स हैं ना दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स टू राइट इन एनी केस स्टडी एनी सजेशन्स ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं मीन वाइल एक जो दूसरा थ्रेट आ रहा है दैट इज़ रूरल इंडिया नया फ्लैश पॉइंट नहीं बन जाए बिकॉज इंटरनेशनल से अर्बन सिटीज़ में आया मुंबई दिल्ली चेन्नई नाउ अब हिंटरलैंड में भी ये स्प्रेड हो रहा है और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी शॉर्टेज है तो ये एक नया फ्लैश पॉइंट नहीं बन जाए वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ दैट डेवलपमेंट सो दिस इज़ पेज नंबर वन देन ये पेज नंबर टू है ये पेज नंबर थ्री है दिस इज़ पेज नंबर थ्री दिस इज़ पेज नंबर फोर नाउ दिस इज़ पेज नंबर फाइव यहाँ बात है लोनार लेक हाई कोर्ट सीक्स रिपोर्ट ऑन कलर चेंज ये लोनार लेक है लोनार ये क्रेटर के थ्रू बनी थी नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है ये लोनार में है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एस्ट्रॉइड कॉलेजन से ये बनी है ऐसा माना जाता है यूजुली इसका कलर ऐसा होता है बट अभी कुछ टाइम पे इसका कलर ऐसे पिंक हो गया था ये 1.2 किलोमीटर डायमीटर पे है थर्टींथ ऑफ जून को वी कवर्ड दिस थिंग यू रोट वेरी वेरी गुड आंसर अर्बन लेक्स के बारे में चैलेंजेस पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस नाउ यहाँ पे अब जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि हाई कोर्ट ने बोला है एक रिपोर्ट लाओ कि ये कलर चेंज कैसे हो गया यहाँ जो एक एरिया है दैट इज़ लोनार किन रोड यहाँ पे प्रोहिबिट किया है कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा है नीरी और जीएसआई में नीरी कौन सा इंस्टीट्यूट है इसका फुल फॉर्म आप बताइए इसका फुल फॉर्म बताइए नीरी का नाउ यहाँ पे ये एक्सपर्ट है डॉक्टर राइट इनकी फाइंडिंग बताती है कि ग्लास फॉर्मेशन जो हुआ है सरफेस ऑफ द बेड रॉक ऑफ लोनार क्रेटर पे ग्लास फॉर्मेशन हुआ है सरफेस ऑफ द बेडरॉक ऑफ लोनार क्रेटर जो बेसाल्ट रॉक है दिस न्यू फीचर नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स ऑन द अर्थ एंड ओनली ऑन द बेड ऑफ क्रिएटर्स एग्जिस्टिंग ऑन मून नाउ दिस इज समथिंग न्यू तो इससे ये ऐसा है कि ये जो यहाँ पे रॉक्स एंड ऑल मिला है दैट आर सेम थिंग विच आर फाउंड इन द सर्फेस ऑफ मून एरिया यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन है लार्ज क्वान्टिटी ऑफ यूनिक मटेरियल मिला है कॉल्ड इजेक्टा ब्लैंकेट सबस्टेंस है दैट इज़ फाउंड ऑन द मून नाव यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कोर्ट ने ऑर्डर किया है यहाँ पे कि टेक इमिजिएट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द मटेरियल दिस मटेरियल फ्रॉम द थेफ्ट एंड पिल इससे इसको स्टॉप करने के लिए वहाँ के डी को उन्होंने ऑर्डर किया है कोर्ट ने सो अगेन दिस इज ऑन गोइंग न्यूज़ हम इसको फिर से देखेंगे दिस इज अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक हमने इसका बेसिक्स देखा नाव यहाँ पर नया डेवलपमेंट देखा कि मून से कनेक्टिविटी एंड ऑल नाओ विल अगेन फर्दर है फॉलो अप नाउ दिस इज एडिटोरियल सेक्शन यहाँ पे है क्लोज अगेन क्लोज अगेन अनादर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कैन बी मीनिंगफुल लॉकडाउन जो होता है ना ये इसमें ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इसने हमें टाइम बाय कर दिया है जो पीक था उसको पोस्टपोन कर दिया है अनादर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कैन बी मीनिंगफुल ओनली एंड ओनली विद अ प्लान टू करब इन्फेक्शन केवल लॉकडाउन से सॉल्यूशन नहीं होगा कोविड नाइन्टीन का वी शुड हैव अ प्लान टू कर्ब द इन्फेक्शन इन जैसे चेन्नई में अभी जैसी बातें चल रही हैं अनलॉक वन पॉइंट हुआ रैपिड राइज इन केसेज हुए लॉकडाउन जो होता है ये एक ब्लंट वेपन है रिमेंबर दिस वर्ड दिस इज़ अ ब्लंट वेपन ये यूजफुल ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड ही होता है एंड टू सपोर्ट अ क्लियर प्लान ऑफ एक्शन मतलब आपको टाइम थोड़ा बोरो हो गया है कि अब इस टाइम पे आप अपनी प्रिपरेशन कर लो कि आप क्या काम करने वाले हो लॉकडाउन का केवल यही पर्पज़ है ब्रीफ पीरियड के लिए होता है लॉन्ग टर्म लॉकडाउन इज़ नॉट गुड वो कैटेस्ट्रॉफी हो जाता है तमिलनाडु ऑटोमोटिव सेक्टर है काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग्स एंड ऑल है तमिलनाडु वैसे भी काफ़ी एडवांस्ड स्टेट है इंडस्ट्रियल इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है यहाँ पे लॉकडाउन से सप्लाई साइड बॉटल नेक्स आ गए हैं अभी ज़रूरत है हमें कि हम कंसल्टेटिव अप्रोच करें डी करें एंड प्लान फॉर द फ्यूचर इस पर हमने एक केस स्टडी भी देखा था यहाँ कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ड्यूरिंग द फुल लॉकडाउन फेज गवर्नमेंट मस्ट मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें मास्क टू ऑल ब्रिंग अबाउट कॉम्प्लाइंस इन मास्क वियरिंग लोगों को ऐसा एनकरेज करें नज करें कि आप मास्क वियरिंग करो जैसे मैं आप लोगों को नच करता रहता हूँ राइट 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 एनी थिंग राइट एवरीडे यू वुड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव विद इन नो टाइम सो ये यहाँ पर है कि मास्क वियरिंग करें फिजिकल डिस्टेंसिंग हो हेल्प करें डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में मेक टेस्टिंग यूनिवर्सली अवेलेबल दीज आर सम पॉइंट्स नाउ ऑन गोइंग हमने अभी केस स्टडी देखा था नाउ अब सजेस्ट करिए सम इनोवेटिव मेजर्स कुछ इनोवेटिव मेजर्स सजेस्ट करिए फ़ॉर इकोनॉमिक रिवाइवल बिकॉज लॉकडाउन जो होता है इससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल अब हम हम इकोनॉमिक कैसे अपनी रिवाइव करें एटलीस्ट कीप द इकोनॉमिक डैमेज टू बेर मिनिमम लॉकडाउन जैसे तमिलनाडु में हो रहा है केस अगर वर्स्ट केस में और भी कहीं एक्सपैंड करना पड़े तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे सेफ गार्ड करें लॉकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में इसको मिनिमम करें डैमेज इन सच लॉकडाउन ट्राई टू सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स इन से फिफ्टी टू हंड्रेड वर्ड्स ओके थिंक अब इस क्वेश्चन को आप सोचोगे बहुत सारा आपको भी आर एंड डी करना है सोचना है ब्रेन स्टॉमिंग करना है इस पूरी प्रोसेस से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपका दिस इज़ द होल पर्पज ऑफ राइटिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज़ क्लोज अगेन देन ये जो आर्टिकल है ये लिखा है मिस्टर मंजीव एस पुरी ने और वेरी वेरी गुड आर्टिकल है ये बहुत अच्छे इंसाइट्स दे रहा है इंडिया और नेपाल के रिलेशन में बैकड्रॉप समझना बहुत जरूरी होता है कई बार जो डिलेड रिस्पॉन्स होता है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स होता है क्विक रिस्पॉन्स सेंसेशनलिज्म दिस न्यूज़ ब्रेकिंग एंड ऑल इट कुड बी अवॉइडिड सेंसेशनलिज्म इज नॉट ऑलवेज गुड डिलेड रेस्पॉन्स हो सकता है तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनारस टू बैंगलोर में बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है नेपाल के साथ टाइज में इंडिया नीड्स अ न्यू प्रिज्म हमें एक नया नजरिया देखना चाहिए टू व्यू इट्स रिलेशनशिप विद दिस हिमालयन नेबर ऐसा यहाँ सजेस्ट किया है वी नीड टू कीप इन माइंड पास्ट भी प्रेजेंट भी एंड फ्यूचर भी ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है नेपाल का मीनवल अगर अपन चेंजेस देखें नेपाल में तो पहले के टाइम पे बनारस कनेक्शन होता था मतलब हिस्टोरिकल कनेक्शनज़ हैं कल्चरल कनेक्शन हैं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली इन लास्ट वन और टू डेकेड बेंगलोर कनेक्शन भी आ गया है बैंगलोर कनेक्शन का मतलब क्या है आई सॉफ्टवेयर नया आर नेपाल इज़ ऑलसो चेंजिंग नेपाल पहले मोनार्की था डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन हो गया है 1990 से डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गया था अगेन एन में हमने इसे पढ़ा था 2008 में अबोलिशन ऑफ डेमोक्रेसी अबोलिशन ऑफ दिस मोनार्की हुआ है दिस इज मोनार्की अबोलिशन ऑफ दिस मोनार्की देन ग्लोबलाइजेशन हुआ ग्लोबलाइजेशन के बाद नेपाल स्टार्टेड कमिंग इन कांटेक्ट विथ सो मेनी अदर नेशंस सोसाइटल चेंज आया प्रेजेंस ऑफ चाइना पहले चाइना का जो नेपाल का टेरेन है वो इंडिया के लिए काफ़ी फेवरेबल था ऐसा टेरेन है और चाइना की तरफ से काफ़ी डिफ़िकल्ट था बट चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है और चाइना इज़ नाउ कमिंग क्लोज़र टू नेपाल नेपाल का जो नेशनलिज़्म है वो अब एंटी इंडिया सेंटिमेंट ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है ये चीज़ वहाँ पे चेंज हो रही है 2020 में नया मैप आया है इससे पहले 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन वो लेके आए थे तो दिस इज़ ग्रेजुअली दिस इज हैपनिंग तराई में जो नेपाल वाला एरिया होता है स्पेशली जो मदेसी उनको ब्रांडेड कर दिया जाता है कि आप इंडियंस हो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ना नेपाल भी देयर एट्रीब्यूट रिफ्लेक्ट दिस एंग्स ऑफ अ स्मॉल स्टेट और जो इंडिया है नेपाल अपीयर्स दिस इनकॉरेजल तो ये जो दोनों चीज़ें हैं दोनों में चेंज हो रहा है नेपाल एंड इंडिया में दिस इज़ वॉट इट इज रिटर्न ओवर हेयर दूसरा एक और बात होता है कि रेमेटांस का जैसे इंडिया का रेमेटांस है जो फॉरन इंडियंस हैं वो इंडिया में पैसे बेचते हैं ऐसे नेपाल में भी एट बिलियन रेमेटांस आता है और वो थर्टी परसेंट ऑफ दैट नॉमिनल जी है इसका मतलब ये है नेपाल का वर्ल्ड के साथ एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है फॉरेन एन भी वहाँ पर काम करते हैं अगेन ग्लोबल एक्सपोजर है तो टू के बाद नेपाल सिक्युलर स्टेट भी बन गया था अब जनरेशनल चेंज है पहले के जो लोग थे वो जनरेशन अब नई जनरेशन जो आ रही है दैट इज़ डिफरेंट जनरेशनल चेंज है तो ये जो नई जनरेशन होती है उसमें लैक ऑफ कॉमन कॉलेजिएट होता है पुराने रूट्स कॉमन नहीं है तो ये एक जो नेचुरल बॉन्ड होता था वो अब थोड़ा यहाँ पे पीछे हट जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी थोड़ा बैक सीट ले लेती है कोविड नाइन्टीन के कारण अभी जैसे ग्लोबलाइजेशन है अब ये पॉइंट बताते हैं कि नेपाल को भी केयरफुल रहना चाहिए नेपाल बहुत ज़्यादा बैंक कर रहा है चाइना पे वर्ल्ड दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ में और दिस रेमेटांस एंड ऑल में बट कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में सी ग्लोबलाइजेशन वापस बैक सीट ले रहा है रेमेटांस का जो बबल था ये पॉप हो रहा है तो इस टाइम पे जो नेपाल है नेपाल को अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो है इंडिया इंडिया सबसे ज़्यादा फेवरेबल है यहाँ पे पोजीशन बिकॉज इंडिया के साथ उसके फैमिली रिलेशंस भी हैं ये कम हैंडी होंगे नेपाल को ये बात समझनी चाहिए अभी द रिलेशनशिप विद नेपाल हमारे यहाँ ओपन बॉर्डर है नेपाल इज़ बीग अलाउड टू लिव एंड वर्क फ्रीली ऑल ओवर इंडिया ये वर्क करते हैं प्रोवाइड नेपाल अ यूनिक एडवांटेज एंड एन इकोनॉमिक क्वेश्चन मिलता है तो जो नेपाल ऑल्सो नीड टू बी अंडरस्टैंड इंडिया के साथ हॉस्टाइल रहना इट्स नॉट इन बेनिफिट ऑफ नेपाल देन इंडिया को मीन बाइल हमें भी बिग ब्रदर की बजाय एल्डर ब्रदर बनने की यहाँ पे ज़रूरत है या फिर एज अ फ्रेंड रहे वहाँ पे इमेज मेक ओवर करने की ज़रूरत है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल पे वी नीड टू फुलफिल अवर कमिटमेंट कल्चरल एंड एथनिक कॉमनलिटीज़ है यहाँ पे इट बीफल्स एंड रॉज एंगर वैन थिंग्स गो रॉन्ग तो जब बहुत क्लोज रिलेसन होते हैं फिर वहाँ पर अगर एक्सपेक्टेशन्स मीट नहीं होती है तो वो रिलेशन फिर यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं

नो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल यहाँ लिखा है रूरल इंडिया द न्यू वायरल फ्लैश पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है समझना वैर द लॉकडाउन अफेक्टेड द कंट्री लॉकडाउन ने पूरे कंट्री को अफेक्ट किया इन द टाउन इन द कंट्री वेव्स ऑफ द पैंडमिकार असिंक्रोनास है जितने नंबर ऑफ़ केसेज हैं आप देखो जैसे मुंबई महाराष्ट्र में नंबर ऑफ केसेज बहुत ज़्यादा है दिल्ली में ज़्यादा है तमिलनाडु में ज़्यादा है ये जो अर्बन सेंटर्स हैं और कुछ बिग सिटीज़ हैं नंबर ऑफ केसेस अभी रिस्ट्रिक्टेड इन सिटीज़ में है पर जो इंडिया का हिंटरलैंड है वो रिलेटिवली सेफ है अभी तक अब ये चेंज हो रहा है सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो होती है वो रूरल एरिया में रहती है ये वलनरेबल हो रही है येट टू फील द हीट ऑफ कोविड नाइन्टीन अभी तक कोविड नाइन्टीन यहाँ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है और आना भी नहीं चाहिए इंटरनेशनल से अर्बन सिटीज़ में आया अब ये रूरल हिंटरलैंड में शिफ्ट हो सकता है प्रॉब्लम ये है रूरल एरिया में हेल्थ केयर नहीं है एडमिनिस्टर करेंगे हम सोशल वैक्सीन दैट कुड बी द ओनली सोल्यूशन सोशल वैक्सीन मतलब हम खुद इंडिविजुअल लेवल पे उस पर हम वर्कआउट करें प्रोफाइल एक्सेस ज़रूरी है प्रोफाइल एक्सेस क्या होता है प्रिवेंटिव होता है केसेस को स्टॉप करने के लिए बिफोर द रूरल स्प्रेड ऑफ द पेंडेमिक स्प्रेड को होने से ही रोकना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर डी अप्रोच ज़रूरी होगी यहाँ पे और लोगों को एजुकेशन एंड अवेयरनेस देना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ एक बात लिखा है कि बिहेवियरल चेंज लाना क्यों ज़रूरी है हर मैन विमेन चाइल्ड मस्ट वियर अ कॉटन क्लॉथ मास्क पहनना है वैन आउट ऑफ द होम स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन रखना है जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो नेल्स बाइटिंग होता है या चेहरे पे हाथ लगाते हैं दैट इज दैट नीड टू स्टॉप ऑल एल्डर्स एंड एनी पर्सन विद को मॉर्बिडिटी है शुड बी कुकूम बाय रिवर्स क्वारंटाइन वियरिंग मास्क वैन इंटरेक्टिंग विद अदर्स इवन इनसाइड होम तो इस तरीके से हम ये जो मोर्टेलिटी रेट है इसको भी कम कर पाएंगे और कोविड नाइन्टीन भी स्टॉप कर सकते हैं सोशल वैक्सीनेशन अभी पॉजिबल सॉल्यूशन दिख रहा है दूसरी बात जो लोग रूरल माइग्रेशन के लिए गए हैं गांव में वापस गए हैं वी नीड टू चेक वी नीड टू चेक देम क्वारंटाइन एंड टेस्टिंग ज़रूरी है पोर्टेबल ऑक्सीमीटर्स भी हम रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आई एंड ऑल काफ़ी इन्होंने फ्रूगल इनोवेशन किया था टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म इज़ ऑल्सो वन थिंग सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग वी नीड टू यूटिलाइज इट स्टेट अभी तक कॉट नैपिंग अनप्रिपेयर था अगर अभी फिर ये कंटिन्यू हुआ तो ये मोन्यूमेंटल एरर हो जाएगा एक बार हिंटरलैंड चला गया विलेजेस अर्बन एरिया स्मॉलर सिटीज़ में देन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा नाउ दिस इज़ टाइम टू डिस्प्ले करेज एंड विजडम ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं देन दिस इज़ नेक्स्ट पेज पेज नंबर सेवन यहाँ पे बात है फॉर बेटर कंडीशन ऑफ वर्क दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं ये गए हैं अपने विलेजेस में फ्रॉम सिटीज़ यहाँ एक बात लिखा है वाई नॉट वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन दिस कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप बताओ कोऑपरेटिव कहाँ कहाँ मेंशन है ये वर्ड बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट के थ्रू हम ये लेके आए थे से वहाँ फंडामेंटल राइट्स डी पी एस पी एंड दिस कोऑपरेटिव कई जगह मेंशन है नेम इट तो प्लम्बर्स इनका एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं कुक्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इनका कोऑपरेटिव बनाते हैं कोऑपरेटिव बनाने से क्या होता है कैन सेल देयर सर्विसेज विद बेटर टर्म्स एंड कंडीशन तो इससे इनका एम्पावरमेंट होता है बिहार का जैसे एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे टेलर्स ने कोऑपरेटिव बनाया और वो सक्सेस हो गया एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है दैट्स कॉल्ड अमूल दैट्स अ सक्सेस स्टोरी बैंक और जो गवर्नमेंट है यहाँ पे इजीली सपोर्ट अवेलेबल करा देते हैं बिकॉज इंडिविजुअली डिफिकल्ट होता है बट अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में कोऑपरेटिव बना है तो सपोर्ट करना इजी हो जाता है अब पिरामिड ऑफ ग्रुप इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे ऐसे हमें सोचना चाहिए तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग नाउ बिकॉज कोऑपरेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस में भी है कॉन्स्टिट्यूशन में भी है तो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोऑपरेटिव डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स क्या है और ये इसकी यूजफुलनेस क्या है इन द प्रजेंट कॉन्टेक्सट सेम फिफ्टी टू हंड्रेड वर्ड्स कोऑपरेटिव जो होते हैं ये बेटर समझे जाते हैं दैन इंजीनरेगा ये अपॉर्चुनिटी है टू रीबिल्ड अ सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमी अगेन इसको हमें मिस आउट नहीं करना है देन दिस इज पेज नंबर एट दैन दिस इज़ पेज नंबर नाइन दिस इज़ इंडिया एंड चाइना इशू दैन यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल टू पुट कोविड नाइन्टीन डेटा ऑनलाइन यहाँ पे दिस इज़ अबाउट इंडिया एक्सपेक्ट्स टू सेल थ्रू यू एन सिक्योरिटी काउंसिल वोट ये जो सीट्स हैं फाइव प्लस दिस सीट्स हैं नॉन परमानेंट सीट्स हैं ये नॉन परमान्टीट्स में वोटिंग के थ्रू अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं सीट्स तो इंडिया का ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है दूसरे कंट्रीज़ में इंडिया अनपोज यहाँ पर ईजिली नॉमिनी बन सकता है कंट्री स्टैंड अन अपोज्ड एज नामिनी फॉर एशिया स्पेसिफिक सीट के लिए टसल जो होगा वो कनाडा आयरलैंड नॉर्वे में हो सकता है वेस्टर्न ग्रुप में बट इंडिया के पास चैलेंजिंग नहीं है तो वो इजीली क्वालिफाई कर जाना चाहिए ये जो सीट मिलेगा इंडिया को वो दो साल के लिए होगा 21 बाईस यहाँ फाइव नॉन परमानेंट मेंबर्स अभी चुनाव हो रहा है नाउ यहाँ पे जो बात है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया था एक ब्रोशर आउटलाइनिंग इंडियाज़ प्रायोरिटी फॉर यू एन एस सी सीट कैंपेन सी यू एन एस सी के लिए इंडिया की जो कैंडिडेचर है वो बहुत स्ट्रांग है यू एन एस सी में परमानेंट सीट इवन डिजर्व करता है इंडिया बिकॉज इंडिया के वन पॉइंट थ्री बिलियन पीपल है इतने बड़े मेजर पॉपुलेशन को और वो भी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड वेल गवर्न गवर्नेंस है यहाँ पे यू कैन नॉट डिप्राइव सो मेनी पीपल फ्रॉम दिस परमानेंट सीट ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन तो दैट इज़ बाई इंडिया का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर है मीन वाइल यहाँ पर अभी नॉन परमानेंट सीट में इंडिया का यू में ईजिली हो जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है इसका काम पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन है पावर कंपोजिशन फंक्शंस है चैप्टर फोर ऑफ़ यूनाइटेड नेशन चार्टर में दिए हुए हैं यहाँ पे जब ये ब्रोशर रिलीज हो रहा था तो जयशंकर साहब ने बताया था कि जो इंडिया के एम्पेसाइज है वो है इंटरनेशनल गवर्नेंस पे नॉम्स एक टर्म कॉइन हुआ था न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम ये जितना भी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है इन्होंने फाइव एस की बात किया था सम्मान संवाद सहयोग शांति एंड समृद्धि दीज आर वेरी गुड नोटेड डाउन नाउ कीपिंग दिस इन माइंड और ये जो ब्रोशर है आप इस ब्रोशर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट से देखिएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज़ प्रायोरिटी अभी बहुत स्टार्स अलाइंड है हमने एक एडिटोरियल देखा था इतने सारे वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें इंडिया सेंटर स्टेज पर रहने वाला है तो दो हज़ार बीस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के इंटरनेशनल इसको स्टेशर राइज होगा इंडिया की जो प्रायोरिटीज़ वो हैं वो क्या है यू सीट कैंपेन में हाईलाइट करें इंडियाज़ रोल इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर वर्ल्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है पहले बायपोलर हो गया था फिर यूनिपोलर हो गया अमेरिका बस बचा एक टॉप सुपर पावर अब मल्टीपोलर बन रहा है और कोविड नाइन्टीन के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्न भी हो रहा है कीपिंग ऑल दिस इन माइंड हाईलाइट इंडियाज़ रोल इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड प्रायोरिटाइज जो यू एन एस सी सीट कैंपेन में इंडिया ने क्या ये यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स दिए हैंवो सो ट्राई टू राइट इन से फिफ्टी टू हंड्रेड वर्ड्स देन ये जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट क्लाइमेट रिपोर्ट प्रिडिक्स हॉटर रेनियर डे क्लाइमेट चेंज इनएविटेबल है बहुत तेजी से हो रहा है एक ये फोरकास्टिंग मॉडल है आई आई टी एम एंड दिस पुणे का सेज आई पुणे का ये बोलता है हीट वेव्स लाइकली टू बी थ्री और फोर टाइम्स बेटर होने वाली हैं ये बढ़ रही हैं हीट वेव्स इससे स्ट्रेस आएगा इकोनॉमी में इकोसिस्टम में वाटर और एग्रीकल्चर में एक्सट्रीम्स ज़्यादा हो रहे हैं क्लाइमेट एक्सट्रीम्स इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल फोरकास्ट हुआ है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द सब कॉन्टिनेंट इन द कमिंग सेंचुरी हमने ग्रीन हाउस गैसेस पढ़े थे सी ओ टू कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है दिस प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग सो दैट इज़ वाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ इंक्रीजिंग सब कॉन्टिनेंट इन द कमिंग सेंचुरी वार्म ज़्यादा हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग इसके साथ साथ एनुअल रेनफॉल भी बढ़ रहा है ज़्यादा सीवियर साइक्लोन्स आ रहे हैं एंड पैराडॉक्सिकली ड्रॉट भी ज़्यादा आ रहे हैं तो वेदर दिस क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ आर ऑन राइज अब ये जो रिपोर्ट आई है ये पार्ट बनेगी आई पी सी सी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिपोर्ट का दैन हमें यहाँ पर फोकस करना है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिजन द होल आइडिया इज़ टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू लेस देन टू डिग्री सेंटीग्रेड बाई द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ये वार्निंग बेल्स है फोरकास्ट वॉन्ज ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन नेचुरल इको सिस्टम एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड फ्रेश वाटर रिसोर्स दैन दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़ ये क्लाइमेट न्यूज़ है दिस इज़ शोकेस दैन दिस इज़ शोकेस एंड दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़ यहाँ पे पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट चाइना एंड ताइवान एस्कलेटिंग टेंशनस ताइवान चाइना दो हैं दिस एक होंगकोंग है और एक ताइवान भी है दैन चाइना एंड ताइवान में यहाँ पर एस्कलेटिंग टेंशनस हैं नॉर्थ कोरिया मीन वाइल जो साउथ कोरिया है उससे दोनों में टेंशन इंक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज साउथ कोरिया पे ऐसा चार्जेस लगा रहे हैं डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया में दे आर एक्टिवली टेकिंग पार्ट सो नॉर्थ कोरिया इज़ नॉट हैप्पी अबाउट दैट दैन दिस न्यूज़ इज़ वन इन फाइव वन इन फाइव पीपल ग्लोबली एट रिस्क है ऑफ सीवियर कोविड नाइन्टीन दिस इज़ अगेन अ ग्रेट कंसर्न देन बीजिंग बीजिंग में न्यू केसेज फॉम फॉर्म क्लस्टर्स आ रहे हैं सेकेंड वेव ऑफ दिस कोविड नाइन्टीन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैन श्रीलंका में बात है डिजिटल डिवाइड का डिजिटल डिवाइड मीन्स डिजिटल एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन में कंटेंट डिलीवरी इज अज अ प्रॉब्लम कंटेंट क्रिएशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम द मोर प्रॉब्लम इज़ कि एक्सेस टू टेक्नोलॉजी अन ईवन है इवन ब्रॉडबैंड का भी कनेक्शन देखें इंटरनेट कनेक्शन देखें दैट इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर एंड स्टूडेंट्स को भी अगर सेम लर्निंग एटमोसफियर नहीं मिलता है घर पे डिफ़िकल्ट हो जाता है तो जो लर्निंग आउटकम होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं तो दैट इज़ वाई डिजिटल एजुकेशन इज नॉट द पेनेशिया ये सोल्यूशन नहीं है इट इट कुड हेल्प फॉर टाइम बिंग बट डिजिटल एजुकेशन अलोन इज़ नॉट अ सोल्यूशन सो so, श्रीलंका में भी यहाँ पे हो रहा है वायरस माइट ब्रिंग अबाउट न्यू डिवाइड और ये डिवाइड्स आ रहे हैं डिजिटल डिवाइड के यहाँ पे देन दिस इज़ बिजनेस सेक्शन बिजनेस सेक्शन में फ्यूल डिमांड रीच हुआ एट्टी टू एटी फाइव परसेंट प्री कोविड नाइन्टीन लेवल का हम देखते हैं एनर्जी कंजम्पशन जो होता है वो इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है ज़्यादा फ्यूल डिमांड है मतलब इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल तो एटी एटी फाइव परसेंट लेवल यहाँ पे आ गया है ऐसा मिनिस्टर ने कहा है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी है देन मोबाइल कार्ड पेमेंट टॉप्ड एटीएम विड्रॉवल एक टाइम था बैंक के बजाय फिर आ गए थे एटीएम्स अब एटीएम्स के बजाय ये आ गए मोबाइल पेमेंट एंड दिस कार्ड पेमेंट एटीएम बिकॉज कॉन्टैक्ट हो रहा है तो पीपल आर अवॉइडिंग इट बिकॉज ऑफ दिस कोविड नाइन्टीन सो दिस टेल्स चेंजिंग पैटर्न ट्रांजेक्शन लोग का दिस पैटर्न बिहेवियर है दैट इज़ ऑन चेंज चेंज हो रहा है देन दिस इज़ फेडरल रिजर्व यूएस ये फेडरल रिजर्व ने कहा है कि जो रिकवरी होगी इकॉनोमी की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी शेप्ड होना चाहिए तेजी से फॉल हुआ है उतना ही तेजी से राइज भी होगा बट द पॉइंट इज़ ये नॉच कब आएगा ये हमें देखना होगा ये डिपेंड करेगा कि हम पेंडेमिक को कैसे कंट्रोल करते हैं इसका ड्यूरेशन कितना आता है और इसकी सीवियरिटी कितनी होती है देन दिस इज स्पोर्ट्स मीन नो शो है स्पोर्ट्स नीडेड नाउ फॉर अ मेजर ऑफ नॉर्मल ये जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट गुवाहाटी यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है अर्बन जंगल का अर्बन जंगल मतलब शहर है और वहाँ पे जंगल भी है ये एग्जांपल दिया है यहाँ पे गुवाहाटी का यहाँ पे थ्री थर्टी फोर स्पीशीज हैं गुवाहाटी में और ये रिडिफाइन कर रही है अर्बन जंगल दिस इज़ अ वेरी गुड टैंपलेट न्यूज़ टैम्पलेट इसको यूटिलाइज करना है आंसर्स में कहीं ना कहीं थिंक वॉट इज कॉमन टू द चाइनीज़ पेंगोलिन नेपाल क्रिकेट फ्रॉग बेंगोल मॉनिटर लिजार्ट असामीज कैट स्नैक यूरेशन मोरेन एशियन एलिफेंट तराई चिकलेट क्रिकेट ट्रॉग एंड दिस गैंग्स रिवर डॉल्फिन जिसको सिटी एनिमल भी कहते हैं गुवाहाटी का क्या कॉमन है ये सब लोग स्पेस शेयर कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में लास्ट क्लासेज में हमने देखा था मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्टज़ ऑन राइज अब मैन ह्यूमन और ह्यूमन और एनिमल्स अगर ये पीसफुली को एग्जिस्टेंस हो जाए तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है दैट इज़ वाई दिस अर्बन जंगल कॉन्सेप्ट इज सो गुड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स भी हैं और साथ ही साथ ग्रीन फॉरेस्ट भी हैं और इसका एग्जाम्पल टॉर्च बियर बन गया है गुवाहाटी 328 स्क्वायर किलोमीटर सिटी है यहाँ दिपोर बील भी, भी है ब्रह्मपुत्रा रिवर भी फ्लो हो रही है सी ये सारी स्पीशीज वहाँ पे विद इन सिटी ये मिल रही हैं ओके सो दिस इज़ अर्बन जंगल देन मिसलिनियस की बात करें तो जून 17 जो है ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है थीम इस बार का होगा फूड फीड फाइबर फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पन एंड लैंड के बीच में दैट इज़ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसमें कुछ बहुत अच्छे ट्वीट्स किए हैं आई हैव शेयर इन ट्विटर एक्सेलेंट ट्वीट्स उसमें बहुत अच्छे मैसेजेस एंड ऑल हैव अ लुक वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं ये अपना एक हैंडल रन करते हैं एंड दे कीप ऑन पासिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वे देन अंकटार्ड ये है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाला है इसने एफ डी आई इन्फ्लो है वो ओवरऑल डिक्रीज़ हुआ है बट इंडिया नाइन्थ लार्जेस्ट डिसिपियेंट है एफ का वर्ल्ड में डिजिटल सेक्टर काफ़ी प्रोमिसिंग लग रहा है यहाँ पर देन ये नासा है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इसने ऑब्जर्व किया है मैटर यूजुअली हम जानते हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस बट एक प्लाज्मा भी होता है फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडस और ये इन्होंने अभी यहाँ पर ऑब्जर्व किया है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ये जो बोस है ये है सत्येंद्र नाथ बोस एस बोस ये और भी इन्होंने काफ़ी फेमस काम किए हैं टेल डेम ये हमने एक बार डिस्कस भी किया था देन दिस इज गैस ऑफ बोसोन्स गैस ऑफ बोसोस है कूल्ड फॉर टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो तो वो बन जाता है बोस आइंस्टीन कंड गैस ऑफ बोसोन्स नाउ यहाँ एक और न्यूज़ अभी आ रही है दैट इज अबाउट रेसेशन रेसेशन मतलब होता है इकोनॉमिक टर्म की फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है अलोंग विद डिक्लाइन इन सेल भी हो गया और इनकम भी हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है डिक्लाइन सेल भी हुआ है इनकम भी हुआ है एम्प्लॉयमेंट एंड दिस नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है दैट इज कॉल्ड रिसेशन 1958 में एक ऐसा केस आया था बैलेंस ऑफ पेमेंट 1966 में ड्रॉट का केस आया था 1973 में एनर्जी क्राइसिस आया था 1980 में ऑयल शॉक था और देन अब आ गया कोविड नाइन्टीन क्राइसिस ये भी ऑन गोइंग है विल हैव अ लुक नाउ दिस इज़ द न्यू सेक्शन आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एम सी क्यू के विल ट्राई टू सॉल्व सर्टिन एम सी क्यू फोर फाइव एम सी क्यू एवरी डे आज पॉलिटी है फिर हम हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जोग्राफी ऐसे वन डे वाइज हम विल ट्राई टू हैव अ लुक पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इनमें से कौन सा फीचर वर बोरो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया है फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ओके जब भी एम सॉल्व करते हैं बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना है उसे आपके पास पेन pen, पेंसिल है तो आप ऐसे अंडरलाइन करते हुए भी पढ़ सकते हो उसे दिस हेल्प्स इससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है सिली मिस्टेक्स नहीं होती ओके okay? इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सी इनमें से कौन सा बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ लॉ मेकिंग प्रोसीजर थिंक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम अब ऐसे एम जो होते हैं ना उसमें जैसे आपको वन बाय वन देखना है सपोज वन करेक्ट है देन आप बाकी एलिमिनेट करो इस टाइप से यू हैव टू डू तो आप बताओ ब्रिटिश से हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हमने अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ लॉ मेकिंग प्रोसीजर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ट्राई टू आंसर सेकेंड बात है मनी बिल का मनी बिल होता है इसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर मिलती है ओके मनी बिल एक स्पेशल आर्टिकल के थ्रू आता है मनी बिल जो है ये पास होता है लोकसभा से राज्यसभा के पास इसमें ज़्यादा पावर नहीं है बट राज्यसभा कुछ टाइम तक उसको डिले कर सकती है राज्यसभा फॉर हाउ मेनी वीक्स उसको डिले कर सकती है बताइए टू थ्री फोर और फाइव ये क्या लिखा है यहाँ पे डेज नहीं लिखा है यहाँ पे लिखा है वीक बाय दिस हेल्ड अप हाउ मेनी वीक्स सो टेल दिस ओके नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फेडरल सिस्टम इंडिया क्या है क्वाजी फेडरल है बिकॉज इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी होते हैं और फेडरल फ़ीचर्स भी होते हैं बट कुछ फेडरल फ़ीचर्स हैं उनको बताओ वो क्या क्या फेडरल फ़ीचर्स हैं फेडरल मतलब एक सेंटर होगा फिर स्टेट होगा फिर यहाँ पे दिस थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट भी आ जाएगा तो हमें यहाँ बताना है फेडरल सिस्टम पहला ऑल स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा ऐसा है क्या हर स्टेट में मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात सबका बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में कंसेंट ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल्टरिंग इट्स बाउंड्री राज्य को चेंज करना है बाउंड्री इसमें राज्य का कंसेंट जरूरी नहीं है ऐसा होता है क्या देर इज़ नो डूअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इंडिया में ऐसा भी है क्या राजस्थान की सिटीजनशिप अलग है और इंडिया की सिटीजनशिप अलग है तो ट्राई टू आंसर करेक्ट क्या है करेक्ट आंसर कोड बता रहा है देन दिस इज़ द लास्ट वन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइंग डॉक्टराइंग पूछा है विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू क्या बताती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है इंडिया में इंडिया में जुडिशियल रिव्यू होता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं केसवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेवेंटी थ्री का इसमें क्या बताया गया था कंस्ट्रेंड है ऑन द आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्री सिक्सटी एट क्या होता है दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑल जजमेंट इन गोलकनाथ केस नाइनटीन सिक्सटी सेवन तो इनमें से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर का इंडिया का रिलेट करता है ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ओके सो दिस इज़ द फोर्थ वन ये थर्ड क्वेश्चन है ये सेकेंड क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है ओके सो दीज आर सम क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी नाउ दिस इज वी टॉक्ड अबाउट दिस रिसेशन नासा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर अंगटाट की रिपोर्ट मिस्रेनियस जून सेवनटीन अर्बन जंगल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टन दिस इज़ बिजनेस न्यूज फेडरल रिजर्व फाइंडिंग फ्यूल डिमांड फिर से इंक्रीज हो रही है विच इज़ अ गुड थिंग चेंजिंग पैटर्न ट्रांजेक्शन हो रहा है वर्ल्ड न्यूज़ में हमने देखा दैन दिस इज क्लाइमेट रिपोर्ट प्रडिक्ट रेनियर डेज ये ट्राई टू राइट दिस राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज़ प्रायोरिटी क्या है हमारी यू एन एस सी सीट कैंपेन के लिए हाईलाइट करें इंडियाज़ रूल इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में दैन इंडिया यू एन एस सी वोट शॉर्ट नोट ऑन कोऑपरेटिव ओके दैन दिस इज़ रूरल इंडिया में क्यों ज़रूरी है वायरस के इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए ज़्यादा देन ये नेपाल के साथ टाइज चेंज हो रहे हैं बनारस टू बैंगलोर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ट्राई टू सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल एटलीस्ट कीप द इकोनॉमिक डैमेज बंद करें अगर ज़्यादा लॉकडाउन अभी फिर से एक्सटेंड करना पड़ गया तो देन दिस इज लोनारे लेक पे हाईकोर्ट की फाइंडिंग ये कोविड नाइन्टीन के अपडेट्स थे ये इंडिया चाइना फेस ऑफ है वील कीप एन आई ऑन एम ई ए स्टेटमेंट्स ओके देन दिस इज सेवेंटी ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी दिस इज सेवेंटी ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी So, thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.